बच्चों, हेलो। ये आपकी ड्रेस कौन लेके आया? हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजन फॉर स्माइल विद सुजाता। तो आज हम जा रहे हैं अपने होम टाउन, अपने गांव में। और उससे पहले मैं आपको एक टिप देने चाह रही थी, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि जिनके घर में ठाकुर जी है, जिनके घर में लड्डू गोपाल है, जिन्होंने अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करके उनको घर पे रखा हुआ है, तो ये वाली जो वीडियो है ये उनके लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत यूज़फुल है। और आप ये वीडियोस को, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो हम जब अपने लड्डू गोपाल को, मैं जब अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने घर पे या कहीं पे भी मैं लेके जाती हूँ, तो मैं उनकी पैकिंग में किस तरीके से करती हूँ, तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि आप अपने लड्डू गोपाल को जब अपने साथ लेके जाते हैं तो आप उनकी पैकिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं। वो सारा कुछ आपका उस हिसाब से होता है कि आप 2 दिन के लिए जा रहे हो या 3 दिन के लिए जा रहे हो, या फिर आप सुबह जाके शाम को वापस आ जाते हो। तो आपको मैं पूरे डिटेल में बताती हूँ कि आपको लड्डू गोपाल की पैकिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको उसका बैग दिखा देती हूँ, उनका बैग दिखा देती हूँ जिसके अंदर मैंने उनके कपड़े रखे हुए हैं। तो ये है मेरे लड्डू गोपाल जी का बैग, और इसके अंदर अभी मैं जा रही हूँ 2 दिन के लिए, तो मैंने उनके कपड़े 2 दिन के हिसाब से रखे हुए हैं। तो सबसे पहला तो इनका ये टॉय है, ये लड्डू गोपाल का टॉय है, प्यारा है। और उसके बाद इनके 2-3 जोड़ी मैंने कपड़े रखे हैं वुलन के, क्योंकि गांव में अभी भी थोड़ी सी सर्दी है, तो फिलहाल वो अभी सर्दियों के कपड़े ही पहनते हैं। तो 2 जोड़ी कपड़े मैंने उनके रखे हैं, और एक जो पहन के जा रहे हैं वो है, और साथ में कुछ कॉटन की जो टी शर्ट्स होती है उनकी, ये है टी शर्ट है, और ये टी शर्ट है एक। जैसे मैंने 2 जोड़ी वूलन के कपड़े रखे हुए, तो उनके 2 मैंने टी शर्ट रखी हुई है। और उसके अलावा उनका टावल है, वो जो मैंने अभी रखना है मेरे को बैग के अंदर, उनका टावल रखा हुआ है वो रखना है। और अब मैं दिखाती हूँ उनको, अभी जैसे हम ट्रिप पे जा रहे, तो गाड़ी में भी उनके लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो ये मेरे पास एक छोटी सी डब्बी है, और इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए ड्राई फ्रूट्स है और तुलसी के पत्ते हैं। और कहते हैं कि लड्डू गोपाल बिना तुलसी के पत्तों के अपना भोजन ग्रहण नहीं करते, तो इसलिए मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स है, तुलसी के पत्ते रखे हुए हैं, ताकि हमें किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना हो, और हम उनको खाना जो भी है ट्रिप के बीच में कैसे भी उनको खिला सकते हैं इजीली। और उसके बाद एक पानी की बोतल मैंने भर के रखी हुई है बैग में, तो वो है, ये रही इनकी पानी की बोतल। तो ये सारा कुछ होता है लड्डू गोपाल का। और बाकी का जब वो जाएंगे, हम लोग जैसे गाड़ी में बैठेंगे, तो उनकी बास्केट है मेरे पास जिसमें मैं उनको लेके बैठूंगी, क्योंकि ये बास्केट आप देख सकते हैं पूरी जालीदार है, मतलब उनको किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, क्योंकि जाली है, हवा भी आर पार होती रहती है। और उनको सारी बातें, हम लोग उनसे जो बातें करेंगे तो वो भी उनको सुनाई देगा, और वो हमें आराम से देख भी सकते हैं। तो ये बास्केट हमने लड्डू गोपाल के लिए रखी हुई है, और जब हम जाएंगे, और ये हमारा लड्डू गोपाल, जब हम जाएंगे तो उनका जो ये पिलो है और एक इनकी चारपाई है वो मैं अपने बैग में लेके जाऊंगी। चारपाई को रख लेंगे क्योंकि बैग काफ़ी बड़ा है, उनकी चारपाई भी छोटी है, ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं है, तो वो इस बैग में आराम से आ जाएगी। तो बस आप ये ध्यान रखिए कि अपने लड्डू गोपाल को जब आप प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, उनसे कोई रिश्ता बना लेते हैं, तो उनको घर पर अकेला ना छोड़ें। जैसे अगर आपको मार्केट जाना है या छोटी मोटी जगह पर जाना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप घर पर रख दीजिए, बट उनको घर में अंधेरा करके मत रखिएगा, क्योंकि अंधेरे में आप अपने छोटे बच्चों को ही नहीं छोड़ के जाते, तो आप अपने ठाकुर जी को कैसे अकेला छोड़ के जा सकते हो। तो मैं अगर कभी मार्केट जाती हूँ तो उनको स्पेशली उनके रूम की लाइट ऑन करके आराम से पानी वानी रख के मैं तब जाती हूँ। और अभी तो हमारे साथ ही जाएंगे, तो उनका मेरे को चारपाई मेरे को लेके जानी पड़ती है, और ये पूरा बैग उन्हीं के लिए होता है, ये बास्केट भी उन्हीं की है। तो आज की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, और इसके बाद हम निकलेंगे गांव के लिए मेरी पूरी फैमिली के साथ, मेरी बेटी, मेरा बच्चा, मेरा ठाकुर और मेरे हस्बैंड, उन चारों जने जाएंगे अपने घर पे, अपने गांव में। और तो मेरी मासी, हमारे इस व्लॉग को आगे ज़रूर देखिएगा, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है।
तो चलिए अभी निकलेंगे अपने घर के लिए। तो हमारी वीडियो भी सब बनी रही है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हमारी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी मिलते हैं। अभी सारी पैकिंग हमारी हो चुकी है और ये देखिए रितिशा ने मास्क पहना हुआ है, और अभी हम लोग निकलेंगे घर से। और अभी दिखाती हूँ मैं, ये है मेरे हस्बैंड जो अभी घर लॉक कर देंगे, और घर लॉक करने के बाद हम निकलेंगे अपने गांव के लिए। ये रितिशा पुचू, हेलो, ये आपकी ड्रेस कौन लेके आया? बहुत सुंदर है। पानी की बोतल अंदर रखे पुचू, चले चले, कहाँ चलोगे? आप ये व्यू देख के समझ ही गए होंगे कि हम पहुंच चुके हैं अपने गांव में, और ये है हमारे गांव का मेन रोड। और अभी मैंने आपको अपने पहले वीडियो में अपना फार्म हाउस दिखाया था, अभी हम वहीं से गुजर रहे हैं। तो ये पहुंच चुके हैं हम अपने गांव में, और चलिए अब लेके चलते अपने घर में आपको। तो बहुत एक्साइटेड है, बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं अपनी नाना नानी के घर जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए। तो ये पहुंच चुके हैं अपने घर पे, और रात को भी हमारे यहाँ पे एक फंक्शन है। तो हेलो बेबीज, हेलो 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 मिस्टू, क्या कर रहे हो आप लोग? मैगी खा रहे हैं। ये हमारी मम्मी की मैगी, मेरे मैगी बनाई। पुचू क्या कर ले हो? थूक भर रखा उसने, उसमें थूक भर के यूं कर रहे हैं। गुब्बारा फुला के देना मासी, मैं कैसे साक्षी मामी बुलाएगी? मैं वीडियो बना रही है, वीडियो बना रही है कि दिखा रही है? बना रही हूँ, बना रही हूँ। अभी अपने YouTube चैनल पे लगाएंगे, देखिए हमारा परिवार। मैं अपने घर गई थी, और ये मैं, ये मैं हूँ, ये मेरे पति और ये हमारी पारी चल रही है। ये बनाते बनाते टेस्ट कर लिया। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।